खबर है मंडावा से। प्रकृति को पास से देखने का अनूठा जुनून, साइकिल से कर लिया 12 देशों का सफर। इटली का एंड्रिया साइकिल से कर रहा है भ्रमण। मंडावा पहुंचने पर स्थानीय लोगों ने किया स्वागत। प्रकृति को नजदीक से देखने की ललक के चलते इटली से निकला एक 27 वर्षीय युवक 6 माह से साइकिल से 11,500 किलोमीटर का सफर तय कर झुंझुनू जिले के मंडावा पहुंचा। इटली निवासी एंड्रिया ने करीब 200 दिन पहले इटली से अपनी यात्रा शुरू की थी। एंड्रिया ने 12 देशों से होते हुए 18 दिन पहले भारत में प्रवेश किया। इसके बाद भारत के अलग अलग शहरों में घूमते हुए मंडावा पहुंचा। मंडावा पहुंचने पर एंड्रिया का मंडावा वासियों ने स्वागत किया। एंड्रिया ने बताया कि अलग अलग जगहों की प्रकृति, वहां के कल्चर को नजदीक से देखने तथा उन जगहों के लोगों से बात करने को लेकर साइकिल से भ्रमण करने की ठानी और करीब 200 दिन पहले अपनी साइकिल यात्रा को शुरू की। एंड्रिया की साइकिल यात्रा स्लोवेनिया, क्रोएशिया, अल्बानिया, बुल्गारिया, तुर्की, जॉर्जिया, आर्मेनिया, ईरान, पाकिस्तान होते हुए 18 दिन पहले भारत पाक वाघा बॉर्डर पर पहुंचे। वाघा बॉर्डर से उन्होंने भारत में प्रवेश किया। वहां से अमृतसर, लुधियाना, नई दिल्ली, ऋषिकेश होते हुए मंडावा पहुंचा। एंड्रिया ने अब तक 11,500 किलोमीटर से भी ज्यादा का सफर साइकिल से तय किया। एंड्रिया ने बताया कि वह साइकिल से अलग अलग देश में यात्रा करके दुनिया को अपनी आंखों से देखने निकला है। एंड्रिया ने बताया कि कई बार इस सफर में उन्हें परेशानी का सामना भी करना पड़ा, मगर स्थानीय लोगों ने उनकी मदद की। एंड्रिया ने बताया कि रहने खाने का इंतजाम जहां जाता है वहां के स्थानीय लोगों द्वारा कर दिया जाता है। इसके अलावा साथ में टेंट में गर्म स्लीपिंग सूट है। अगर कहीं सोने की व्यवस्था नहीं होती तो वह पेट्रोल पंप या किसी अन्य जगहों पर अपना टेंट लगाकर आराम करता है और अगले दिन फिर अपने सफर पर निकल जाता है। Bosnia, Montenegro, Albania, North Macedonia, Bulgaria, Turkey, Georgia, Armenia, Iran, Pakistan, and then I 18 days ago I crossed the border from Pakistan to India, the Wagha border, and now I am in Mandawa. I visited some cities in India like Amritsar, Ludhiana, New Delhi, Rishikesh, and now Junjunu. And now I'm Mandawa, and I would like to go to Bikaner and discover Rajasthan. Season is the first season is to discover myself, so and try to become a better person, and also because I'm curious about this part of the world, Turkey, Iran, Pakistan, India, because I would like to see with my own eyes different culture, different habits, and try to meet a lot of people, no? As much people as I can, and try to speak with them and understand their religion also, because I like to discuss with people that came from different country, no? And because European, the West world is a closed war, no? The people are not so welcoming, not so warm, but in this part of the world, even if people didn't have nothing, they give you the love, they give you everything that they can give you. So, and this is beautiful.